हेलो एवरीवन आज की वीडियो में आप लोग को दिल्ली का लोधी गार्डन घुमा के लेकर आने वाली हूँ सो मुझे यहाँ पे पहले पता नहीं था कि यहाँ पे फना एंड शहजादा मूवी की और फिल्म वगैरह की सॉन्ग वगैरह की शूटिंग हो रखी है सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि दिल्ली जैसी जगह पे और भी इस टाइप की जगह हो सकती है मतलब इस टाइप की मतलब गार्डन टाइप इस टाइप का हो सकता है इस टाइप की एंटिक चीज़ें तो काफी है वहाँ पे मुझे पता है सो so, ये रहा पूरे एरिया का मैप एंड जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको मैं सिर्फ यहाँ यहाँ पे घूम पाई थी और इतना बड़ा था कि मेरे पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गया था मैं पूरा घूम भी नहीं पाई तो अंदर किलों में इस टाइप की अंदर समाधि भी बनी हुई थी बट ये बैक साइड था जो फ्रंट की तरफ है उधर कोई समाधि वगैरह नहीं बनी हुई थी यहाँ पर चार किले थे एक में मैं इधर खड़ी हुई हूँ जहाँ से वीडियो एक सामने एक लेफ्ट साइड में था और एक बहुत ही पीछे की तरफ था तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड इसके आसपास काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे एंड काफ़ी सारे ग्रीनी ग्रीन, ग्रीन सा मतलब इन्वायरमेंट आप देख रहे हो यहाँ का इतने सारे प्लांट्स थे कि काफ़ी सारे प्लांट्स इसमें से मैंने देखे भी नहीं थे जबकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी जगहों पर घूमती हूँ तब भी सो तो प्लीज अमेजिंग थी और अंदर जाने का एक रुपये भी आप लोग का टिकट नहीं लगने वाला सो कितनी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे इतने बड़े एरिया में घूम रहे हो आपका टिकट भी नहीं लग रहा है यहाँ पे फ़ोटोशूट भी हो रहा था फॉरेनर्स भी आए हुए थे इधर घूमने के लिए फ़ोटोग्राफर्स अपना काम कर रहे थे वीडियोग्राफी चल रही थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंड प्री वेडिंग शूट्स चल रहे थे मतलब सब लोग वहाँ पे अपना अपना काम कर like रहे थे लाइक हम लोग घूमने गए थे हम घूम रहे थे सीनियर सिटीजन थे हमारे वो सब लोग योगा कर रहे थे एंड मतलब हर, हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख कर तो मज़ा ही आ गया बिल्कुल एंड सबसे वियर चीज़ बताऊँ आप लोग को इतने सारे कपल्स बैठे हुए थे वहाँ पर और मुझे अपने भाई के साथ इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी जिस कोने में जाओ उस कोने में मतलब पीछे पीछे की तरफ तो सबको छुपा हुआ था तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कपल्स ही कपल्स घूम रहे थे मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी अपने भाई के साथ और काफ़ी वियर्ड सा भी लग रहा था ऑफकोर्स जब आप फैमिली के साथ चले जाओ और आपको ऐसा देखने को मिले तो लगेगा ही लगेगा बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावर्स वगैरह मेंटेन करे हुए थे एंड तो, मैं दो बार में इसको कवर कर पाई हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बड़ा था आप देख भी रहे हो एक टाइप में मैंने जींस टॉप पहनी है और एक बार में मैंने ड्रेस पहनी है वहाँ अंदर एंट्री करते साथ आपको दो के लिए दिखने वाले हैं जिसमें आशिकों ने अपने आशिकों का नाम लिखा हुआ है एंड इधर मेरा भी नाम लिखा हुआ था बेवफा, फैंट पता नहीं क्या लिखा हुआ गुप्ता ज्योति जीबी फ्रेंड व्हाट इज दिस मुझे समझाएगा किसी का नाम दिख रहे थे तो किला so, yeah, दिखेगा आपको आप इधर भी घूम सकते हो नहीं ऐसे किले किले ही टाइप दिखाई देते और इधर ये बत्तख थे बड़े स्लिपरी स्लिपरी बत्तख थे लेक की तरफ आपको थोड़ा ना बहुत दूर थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा मतलब काफी दूर दूर एरिया में है ये सब चीजें अगर आपको देखनी है तो ये वाले थोड़े एक्टिव थे और इनको मैंने जब दिया था ये बहुत फटाफट खा रहे थे जब ये फुरा दूर से चल रहा था ना तो काफी लग रहा था। पास देखा मैंने वहां पर भी दिख रहा होगा so, लेफ्ट साइड है और एक काफी पीछे की तरफ है एक लेक के पास है so, ये रहा लेक के पास वाला तो बिल्कुल पीछे की साइड है ये एंड ये वाला भी काफी ज्यादा बड़ा है बट इधर ना कोई लोग ज्यादा थे नहीं इतने ज्यादा जो थे वो आगे की तरफ में ज्यादा थे एंड जो पीछे वाले थे उसमें बहुत ज्यादा लोग थे और वहां पे लुक वगैरह भी थोड़ा अच्छा सा था तो ये है लास्ट वाली जो मतलब जो बहुत पीछे की तरफ है वो वाली ये वाली है और इसके अंदर कवर्स वगैरह बनी है एंड ये बाहर का एरिया है उसका मतलब राउंड में ही था एंड राउंड में कुछ इस इस टाइप का बना हुआ था सब एंड काफी प्रिटी सा था ऐसे देखने में तो आप लोग को भी अच्छा लगा होगा है ना अगर अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना बिकॉज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है होप यू एय दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय